गुड मॉर्निंग क्लास। जी एम आई ऑडिबल? Okay, so this is the OS lab, and as you all know, we have completed the complete syllabus of the OS. So we are, engaging this lecture under the QE lecture. Okay. Yes, anyone having any problem? किसी को doubt है labs से related तो पूछ सकता है. Otherwise, we'll start our theory content. Yes, anyone having any doubt? Yes, students. This is section G, right? Yes, section Hello. G. Yes. Good morning. Good morning. मैम, वो एक TSP फाइल का क्वेश्चन था. मैम, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है. किसका? लैब असाइनमेंट में जो आपने टीएसपी फाइल का एक क्वेश्चन दिया है ना, क्या प्रॉब्लम है मैम? कॉलम सबमिट करने में दिक्कत आ रही है. बताओ कॉलम क्या कैसे क्रिएट करना है फाइल के अंदर? फाइल के कॉलम्स कैसे क्रिएट करने हैं? कुछ नहीं बेटा, आप टैब देते रहो, टैब से कॉलम क्रिएट होता चलेगा आपका. सपोज आपने नेम दिया, उसके बाद टैब दो, फिर रोल नंबर देना है, रोल नंबर दो, फिर टैब दो, फिर नेम, कुछ रोल नंबर या फिर आईडी या तो कुछ भी, सिटी देनी है, सिटी दे दो, फिर अगेन टैब. यूजर इनपुट पे लेना है ना मैम? नहीं, फाइल क्रिएट करनी है टीएसवी की, उसे आप क्रिएट करोगे वीआई एंड देन फाइल वन. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. फाइल सपोज मैंने दिया फाइल वन, सिंगल फाइल वीआई फाइल वन डॉट टीएसवी. ओके मैम, और डेटा उसमें इंसर्ट कर देना है? बिल्कुल बिल्कुल, टैब टैब से इंसर्ट कर. ओके मैम, टैब से आप बेटा इंसर्ट करते कर सकते हैं इन ईच रो. ठीक है, पहले आप हेडर रो क्रिएट कर लो, फिर उसके बाद डेटा अपना इंसर्ट करते रहो रो बाय रो. ओके मैम, ठीक है, चलिए. और कोई डाउट किसी को लैब कंटेंट? मैम एक और क्वेश्चन था जीआईपी फाइल वाला, वो भी बता दीजिए. दैट इज zip फाइल. यस मैम. हाउ टू डीकंप्रेस अ zip फाइल? देखो, कंप्रेस करने के लिए भी यूज gzip. ओके, पहले डालोगे आप gzip एंड देन नेम ऑफ द फाइल. ठीक है, अब जब भी आप कंप्रेस करते हो तो आपकी एक फाइल क्रिएट होती है जिसका एक्सटेंशन होता है gz. आई थिंक कंफर्म करें ना, gz ही होता है मेरे अकॉर्डिंग. gz एक्सटेंशन की आपकी कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट हो जाती है व्हेनेवर यू कंप्रेस अ फाइल. सपोज योर फाइल नेम इज, मैं यहां पर लिख के बता दूं, सपोज आपने फाइल को कंप्रेस किया तो आप पहले क्या लिखोगे? सपोज माय फाइल नेम इज फाइल वन डॉट टीएक्सटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्रेस दिस फाइल बाय यूजिंग gzip फाइल वन डॉट टीएक्सटी. ओके, जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे देन देयर विल बी वन कंप्रेस्ड फाइल. इट विल क्रिएट वन कंप्रेस्ड फाइल विद नेम फाइल वन डॉट टीएक्सटी डॉट gzip. The compressed file. Now the question was to decompress the file. So for that we will use gunzip and then this compressed file name. So compressed file name kya hai? This will decompress the compressed file. So here is the input, that is the compressed file, and here is a command to decompress the compressed file. ठीक है? Okay, thank you. Quit out all किसी को? I think today is the last date for few, you know,
क्वेश्चंस, और आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो पहले जितने भी आपने मतलब प्रोग्राम्स किए थे वो सारे आप लोग को मैप नहीं किए गए थे, ठीक है? तो मैंने इसीलिए सारे मैप कर दिए हैं, आप टाइमली उनको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए तो अब आगे हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो इन द थ्योरी सिलेबस वी वर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, यस और नो? लेट मी ओपन द पीपीटी फर्स्ट। That is used in the online version of the science for us to come out of the music. So it was proposed by Martin Schreck in 1996. Yes, can you see the PPT now? Yes, ma'am. ओके, हमने ये सब डिस्कस कर लिया था ना अपने लास्ट क्लास में, नीड फॉर द पेज रिप्लेसमेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच विल बी फॉलोड फॉर द पेज रिप्लेसमेंट, यस और नो? यस और नो बेटा? ऋतिक, यू टेल मी। यस मैम। यस मैम, हो गया था ये डिस्कस, हो गया था ना बेटा? यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट दिस पेज प्लेसमेंट, हमें डर्टी बिट भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट? यस मैम। नेक्स्ट इज व्हाई वी यूज दिस पेज प्लेसमेंट, ये भी डिस्कस हो गया था। एंड दिस इज रेफरेंस स्ट्रिंग एंड दिस इज द फर्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज फर्स्ट। ये ग्राफ पता है, एज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स आवर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विल आल्सो गेट विल गेट डिक्रीज, दैट वी कैन से द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग एज नंबर ऑफ फ्रेम्स आर इंक्रीजिंग, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्रेम्स। फर्स्ट एल्गोरिथम इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। इसका मैंने आप लोग को शायद से एक क्वेश्चन करा दिया था, यस और नो? अगर नहीं कराया है तो बता दो कि मैडम नहीं हमें याद। हाँ ऋतिक मैम, याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये मेमोरी रेफरेंस यही है, ठीक है? लेट मी शेयर द बोर्ड फर्स्ट। बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है, व्हेनेवर वी नीड टू रिप्लेस द पेज देन वी विल रिप्लेस द ओल्डेस्ट वन, दैट मींस वी विल रिप्लेस द पेज व्हिच वाज अराइव्ड फर्स्ट। ओके, सो हियर इज द मेमोरी रेफरेंस। ओके, आई एम राइटिंग द मेमोरी रेफरेंस हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 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
Okay, let's Now, in this question, four frames are given. That is, number of frames are four. Okay? So I have four frames. मैम थोड़ा साउंड कंफ्यूज हो रहा है. अच्छा वन सेकंड. दो दो साउंड आ रही है पीछे से. हाँ मेरी साउंड आ रही है क्लियर.
मेरी आवाज समझ में आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके देखो, फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस वाज ऑफ पेज 1, ठीक है। नाउ यू कैन सी आई हैव 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स, सो आई विल एलोकेट फ्रेम टू ईच पेज, दैट मींस एट मैक्सिमम आई कैन हैव 4 पेजेस एट अ टाइम इन माय मेन मेमोरी। So first memory reference is for page 1. So I will insert this page 1 in here in frame 1. Next memory reference is for page 2. Again, page 2 is also not present. So first page 1 occurred for this page number 1 and second page 1 occurred for this page number 2. So I will insert this page 2 here in the second frame. Next memory reference is for page 3. So again, page 1 occurred here. So I will insert this page here. Next, 4. 4 is also not present. Page fault occur here. I will insert this page. Now, next reference is 5. 5 is also not present here. So, again, page fault occurred for 5. So, now I will have to replace one page because I do not have any free frame to break this page. So, I will replace the oldest one. So, which one is the oldest among 1, 2, 3, 4? Which one is oldest one. Here? 1. So, I will replace one. This page. Okay, next reference is for 3. 3 is already here, so there will be no page fault. Next is 4. 4 is also here, no page fault. Next is 1. 1 is not present in main memory. Again, page fault occurred here, so I will replace the oldest one. So which one is oldest? 2. So I will replace 2. Next is 6. 6 is also not present. Again, page fault occur here. So, I will replace the oldest one. So, which one is oldest? 3 is the oldest. So, I will replace 3 by 6. Next memory reference is for 7. So, you can see for this page is also not present. So, again, page fault occur here. So, I will have to replace one page for this page. So, oldest one is 4. I will replace 4. Next page is 8. 8 is also not present. Again, I will have to replace one page. So, which one is oldest here? 5. Next is 7. 7 is already present. There will be no page fault. 8 is also present. No page fault. 9. 9 is not present. Again, here page fault occurred. Okay, so I will replace the oldest one. Which one is oldest? 1 is oldest. I will replace this one. Fine, next page is for 5. 5 is not present. Again, page fault occurred here. So, I will replace the oldest one. So, which one is oldest here? 6 is the oldest. I will replace this one. Next is 4. 4 is also not present. Again, page fault occurred here. So, I will replace the oldest one. Which one is oldest? Page number 7. I'll bring this page here. Page number 5 is already present. No need to replace any page. 4 is also present. No page fault. 4 is also present. So, no page fault. So, in total, how many page fault occurred in this reference string? 5 plus 4, 9 plus 3, 12. So, 12 page faults. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Anyone having any doubt in this? Okay. Now, let's solve it using 3 frames. मैंने अभी आपको ग्राफ जो बताया था उसमें मैंने क्या कहा था आपसे दैट द नंबर ऑफ पेज फॉल डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीजेस फाइन सपोज आई हैव ओनली 3 फ्रेम्स देन हाउ देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेज फॉल्स ओके नाउ लेट्स सी हियर वन सेकंड This data, you can say some points you can see. So, chali, ab dekhte hain isme. For page number 1, it is not present. I will insert this page 1 here. Page 2, it is also not present. Page 4 occurred here also. So, I will insert this page here. Page number 3 is not present. I will page fault will occur here and insert this page here. Page number 4 is also not present, but there is no free page. So page fault also occurred here also. So, but there is no free frame. So I will have to replace one page from this main memory. So I will replace the oldest one. So which one is oldest here? One. I will replace one. And bring this page here. Next page number 5. Page number 5 is also not present. Again, page fault will occur here. And I will replace the oldest one. So 2 is oldest one. I'll bring this page here.
पेज नंबर 3 इट इज प्रेजेंट इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट सो वी डू नॉट नीड टू रिप्लेस एनी पेज पेज नंबर 4 इज प्रेजेंट पेज नंबर 1 इज नॉट प्रेजेंट अगेन आई विल हैव टू रिप्लेस वन पेज सो आई विल रिप्लेस द ओल्डेस्ट वन दैट इज 3 पेज नंबर 6 इज नॉट प्रेजेंट यहां पे पेज फॉल्ट हुआ और फिर यहां पर फिर पेज फॉल्ट हुआ कि 6 भी प्रेजेंट नहीं है ओके सो फॉर दिस आई विल हैव टू रिप्लेस वन पेज आई विल रिप्लेस द ओल्डेस्ट वन Page number 7, it is also not present. Again, page fault will occur for page number 7. So I will replace one page. So I will replace 5th. But this is the oldest one. For page number 8, again page fault occurred here. Now I will replace the oldest one. So oldest one is 1. 7th is already present, no page fault. 8 is present, no page fault. 9 is not present. Again, I will have to replace one page to bring this page. So I will replace the oldest one, that is 6. Next, 5 is not present. Again, I will have to replace one page. I will replace the 7 because that is the oldest one. Next, for page 4, this is also not present. Again, I will have to replace one page. So I will replace the oldest one. So 8 is the oldest one. Next, 5. 5 is present. 4 is also present. Again, 4 is also present. So how many page faults are there? 5 plus 4, 9 plus 3, 12. Isse bhi 12 aa raha hai. Kuch garbad bhi hai. One second, let me verify this answer. 3 and then 72 and then 5. Each one number taken. 3 is present, no page fault. 4 is also present, no page fault. 1 is not present, taken. 6 is not present. So I will replace. Taken, page fault over. 7 not present and replace 5 to bring page number 7. 8 is also not present. Take care. 7 is already there. 8 is already there. And 9 is not present. 5 is not present. 4 is not present. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चे इसमें ना मेरे हिसाब से One second, let me verify it. कहीं उसमें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इसमें कुछ मिस्टेक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सही है बिल्कुल एकदम ठीक है बस इसमें क्या हो रहा है आपका कि आपका इसमें इस स्ट्रिंग के लिए आपके क्या है कि आपका 4 फ्रेम्स के लिए भी आपका 12 आ रहा है 3 फ्रेम्स के लिए भी 12 आ रहा है ठीक है अब अगर हम एक डिफरेंट स्ट्रिंग लेते हैं हमारे फर्स्ट एल्गोरिथम में क्या प्रॉब्लम आ रही है इस स्ट्रिंग के लिए तो हमारा सेम है बट इन फ्यू मेमोरी रेफरेंस स्ट्रिंग्स व्हाट हैपेंस फॉर लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स वी आर गेटिंग लेस पेज और लेस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स ठीक है व्हिच इज नॉट द केस ठीक है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि हम क्या कहते हैं जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए क्यों क्योंकि मेरी अगर स्पेस बढ़ रही है मेमोरी की तो पेज फॉल्ट मेरे कम होने चाहिए ना ठीक है लेकिन FIFO algorithm को जब मैं implement करती हूँ on few memory reference strings, then what happens? By increasing the number of page frames, number of page faults also that decreases, okay? And by increasing the number of page fault, my number of page fault is also increasing, ठीक है? जैसे कि मैं आपको example दिखाती हूँ इसी में, आपको बेटा PPT दिख रही है क्या? No ma'am. Okay. देखो ये आपका एक रेफरेंस स्ट्रिंग है ठीक है इसके लिए हम ट्राई करते हैं फॉर थ्री फॉर नंबर फॉर थ्री फ्रेम्स फर्स्ट आई विल ब्रिंग पेज नंबर 1 देन आई हैव ब्रॉट पेज नंबर 2 तो आपका पहले आपका इसके लिए पेज फॉल्ट हुआ ठीक है फर्स्ट पेज फॉल्ट सेकंड पेज फॉल्ट फॉर दिस थर्ड पेज फॉल्ट फॉर दिस फिर आया फोर्थ फोर्थ भी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पेज फॉल्ट हुआ फिर आपका आया वन वन भी प्रेजेंट नहीं है फिर से पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि हमने वन को भी हटा दिया ना यहाँ से तो फोर टू थ्री थे वन नहीं है प्रेजेंट तो वन के लिए पेज फॉल्ट हुआ अब टू
टू प्रेजेंट है यहाँ पर, नहीं है, अगेन टू के लिए पेज फॉल्ट हुआ, फिर फाइव, अब मेरा यहाँ पर पहुंच गई हूँ मैं, फाइव यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो अगेन फाइव के लिए पेज फॉल्ट हुआ, वन वन प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, टू भी प्रेजेंट है कोई दिक्कत नहीं है, थ्री प्रेजेंट नहीं है तो थ्री के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ तो मैं यहाँ पर आई, फोर फोर प्रेजेंट नहीं है फोर के लिए फिर से हुआ और फाइव के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ, देखो कितने पेज फॉल्ट हुए, थ्री प्लस एक सेकेंड ये ज्यादा क्यों हो गया पेज फॉल्ट, एक सेकेंड हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं इस डायग्राम से हटा के, ठीक है मैं इसको सॉल्व करती हूँ अलग से, देन वी विल चेक, okay so the reference string is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, yaki reference string, ठीक है बच्चे, अब number of frames कितने हैं हमारे, 3, and then you will find connected components so that you will find out the known neighborhood and ignore all the known non-core points and finally if you assign each non-core point to the cluster otherwise you will assign it to. मेरे पास ये फ्रेम्स है तीन, ठीक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक पहला मेरा मेमोरी रेफरेंस किसका आया बच्चे, इसमें वन का, देखो वन प्रेजेंट नहीं है तो मेरा फर्स्ट पेज फॉल्ट किसके लिए हुआ, वन के लिए, सो आई विल ब्रिंग दिस पेज इनटू द फ्रेम, आई हैव ब्रॉट दिस पेज हियर, नेक्स्ट मेमोरी रेफरेंस इज टू, अगेन टू इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, ठीक है आई विल ब्रिंग दिस पेज हियर, पेज फॉल्ट यहाँ पर हुआ आपका, देन थ्री इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, ठीक है मैं यहाँ पर ले आऊंगी, फिर से पेज फॉल्ट आपका यहाँ पर हुआ है, four is not present तो मैं किसको replace करूँगी, page number one को, as this is the oldest one, फिर से आपका यहाँ page fault हुआ है, one is not present now तो one किसी जगह पर आएगा, two की जगह पर आएगा क्योंकि two हमारा oldest है, two is not present again, two will be brought in this main memory, so three is the oldest one, I bring this two here, five भी नहीं है, again I replace oldest one, one is present, two is also present, three is not present, again I will have to replace one, so one is the oldest one, three will be here, four is also not present, I bring four here, and five is already present, so how many page faults occurred? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है? आपके कितने page fault हुए बेटा? 9 page fault. अगर मैं use करती हूँ 4 frames. ठीक है? अगर मैं 4 frames use करती हूँ, तो कितने होंगे मेरे page fault? मैं नीचे लिख रही हूँ इसके page fault. ठीक है? फर्स्ट पेज नहीं है अभी आपका, इनिशियली मैंने फर्स्ट पेज इंसर्ट कर दिया, पेज फॉल्ट इसके लिए हुआ, सेकंड पेज भी नहीं है इसके लिए पेज फॉल्ट हुआ हमारा, थर्ड पेज भी नहीं है अगेन पेज फॉल्ट, फोर्थ भी नहीं है अगेन पेज फॉल्ट, नाउ वन है ऑलरेडी पेज फॉल्ट नहीं होगा, टू भी है, फाइव नहीं है, सो टू ब्रिंग दिस पेज आई विल हैव टू रिप्लेस वन पेज, सो आई विल रिप्लेस द ओल्डेस्ट वन, ठीक पेज फॉल्ट हुआ, one अब नहीं है आपका, again I will have to replace one, I will replace the oldest one, again page fault, two is not here, again page fault occurred here, I will replace the oldest one, three is also not here, again I will have to replace one, I will replace the oldest one, four is also not present, again I will have to replace one, so I will replace the oldest one, five is also not present, again I will have to replace one, so I will replace the oldest one. Now you can see how many page faults are there, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 4, 10. कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, जब मैं तीन फ्रेम यूज कर रही थी मेरा पेज फॉल्ट 9 थे और जब मैं 4 फ्रेम्स यूज कर रही हूँ तो मेरे पेज फॉल्ट कितने हुए, 10. But what we were expecting that by increasing the number of frames, our number of page faults should decrease. Yes, this is known as Bilardi's anomaly. Okay, this is known as Bilardi's anomaly.
that by increasing the number of frames, our page fault is also increasing. And this is a case in first in first out algorithm. ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम में ही होती है. सबको क्लियर हुआ व्हाट इज बेलेडीज एनोमली? यस मैम. यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम? यस बच्चे. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद. चलिए तो हमारा अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इन द केस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आवर ग्राफ फ्लक्चुएट्स लाइक दिस. As you can see, for two frames my page fault is 12 and for three frames my page fault is 9 and for four frames my page fault is suddenly increased to 10. Okay, so it which is not expected, which is not the case. Our page fault should decrease by increasing the number of frames, but here in the case of first in first out algorithm, my number of page faults is increased when I increase the number of frames from 3 to 4. Okay, now next are stack replacement algorithms. Okay, a class of page replacement algorithms with the following property. What we were doing here, हम इसके आगे जो एल्गोरिथम्स करेंगे वो करेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट. वो हम आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाई वी आर यूजिंग स्टैक रिप्लेसमेंट. देखिए लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आपका क्या कहता है कि आपका जो सबसे कम यूज हुआ है, ठीक है, हम उसको रिप्लेस करेंगे. जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ इसका. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. पहला आपका क्या है, रेफरेंस 1. तो 1 आपका यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा. यहाँ पे आपका पेज फॉल्ट होगा, इंसर्ट हो गया. फिर 2 आया, 2 आपका आ गया, पेज फॉल्ट इधर भी हुआ. 3 आपका पेज फॉल्ट होगा, है नहीं यहाँ पर अभी, 3 आपका इंसर्ट हो गया. 4 आपका क्या होगा, अब यहाँ पे लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब कि जो पास्ट में सबसे कम यूज हुआ है. देखो बेटा 3 अभी रिसेंटली यूज हुआ है, 2 उससे सबसे लास्ट लीस्ट रिसेंट कौन सा है, 1 है ना. आप पास्ट में चेक करोगे कौन सबसे लास्ट में है, तो 3, 2, 1 में से लास्ट में सबसे कौन है, 1. तो 1 will be replaced. So I will replace 1 by 4. तो आपका यहाँ पे एक पेज फॉल्ट हुआ. नेक्स्ट मेमोरी रेफरेंस इज 1. अब आपके पास कौन कौन से पेजेस हैं, 4, 2 and 3. सो विच वन इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, 2. 4 तो आपका यहाँ यूज हुआ है, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर. Which one is least recent? 2 is the least recent. I will replace 2 here. वन आ गया यहाँ पर. Next is 2. ठीक है, अब 2 आपका, 2 के लिए मुझे फिर से replacement करना होगा. तो 4, 1, 3 में से कौन सा least recent है, 1 यहाँ पे used हुआ है, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर. हम 3 होगा. 3 होगा, so I will replace 3. ठीक है, अगेन हाँ पेज फॉल्ट हुआ आपका. फिफ्थ पेज लेकर आना है, तो 4, 1, 2 में से किसको रिप्लेस किया जाएगा, 4 को. 4, 2 अभी यहाँ यूज हुआ है, 1 यहाँ पर और 4 लीस्ट रिसेंट है, सो आई विल रिप्लेस 4. ठीक, फिर 1 आया, 1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है. 2 भी ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है. 3 प्रेजेंट नहीं है, अगेन पेज फॉल्ट अकर्ड हियर. सो टू ब्रिंग दिस पेज आई विल हैव टू रिप्लेस 1. सो 5, 1, 2, व्हिच वन इज द लीस्ट रीसेंट, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है. व्हिच वन इज लीस्ट रीसेंट, एम 5. So 3 1 2 now next reference 4 is also not present so I will have to replace 1 page so 3 1 which one is the least recent here 1 okay so I will replace 3 हाँ यहाँ यूज कर रहे हो 2 यूज कर रहे हो 1 is the least recent 4 आ गया 2 यहाँ पर now next is 5 5 is the replace 1 so which one is
So which one is the least recent? 4, 3 or 2? 2 is the least recent. So I will replace page number 2. ठीक तो देखो कितने पेज फॉल्ट हुए 4 plus 3 7 7 plus 3 10 so 10 page faults will be there. ठीक इसमें किसी को डाउट? नो मैम. चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ फॉर नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 क्योंकि मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि मेरा बिलाडीज एनोमली इसकी इस एलआरयू एल्गोरिथम में है या नहीं. ठीक ओके शुभांशी देखिए नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड इज 4 रेफरेंस स्ट्रिंग इज दिस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमें चेक करना है. ठीक है देखिए पहला मेरे पास रेफरेंस्ड क्या है 1. ठीक 1 इज नॉट प्रेजेंट सो पेज फॉल्ट यहाँ पर होगा. 2 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट अगेन पेज फॉल्ट मैंने इंसर्ट कर दिया. 3 के लिए भी होगा 4 के लिए भी होगा. अब अगेन 1 चाहिए 1 प्रेजेंट है आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. 2 भी प्रेजेंट है कोई दिक्कत नहीं है. 5 प्रेजेंट नहीं है अगेन पेज फॉल्ट हुआ आपका. आप क्या किसको हटाओगे जो लीस्ट रिसेंट होगा तो 1, 2, 3, 4 लीस्ट रिसेंट कौन सा है 1 लीस्ट रिसेंट है बेटा 2 आपने 1 यहाँ पे यूज किया है. ठीक है 2 यहाँ पर यूज किया है 2 आपने भी यूज किया है 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 आपका लीस्ट रिसेंट है. I will replace page number 4. 3 आ गया. Now next memory reference is 4. Now 4 is not present again. Page fault will occur. So here again I will check the least recent. कौन-कौन से pages आपके पास हैं? 1, 2, 5, 3. तो 1, 2, 5, 3. Which one is the least recent? 5. है ना? So I will replace this page number 5. और 4 आपका यहाँ आ गया. Next page number 5. Again, I will have to replace one page. Yes or no? तो आप देखिए least recent कौन सा है आपका? 1, 2, 4, 3 में से. 1, 2, 4, 3. So one is the least recent. I will replace one and bring this page here. Now you can see number of page faults is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which is less then the case where number of frames is 3. So by increasing the number of frames, my number of page faults also get decreased. Okay? So, मतलब कि least recent views algorithm में मेरा Bilardi's anomaly का problem नहीं है. It was a problem in only first in first out algorithm. Clear है सबको? Yes, ma'am. कोई doubt इसमें किसी को? Yes, anyone having any doubt in this algorithm? No. नहीं है? अच्छा. अब इसमें है कि आपका जो least recently used algorithm है, basically इसमें क्या points हम consider कर सकते हैं कि हम इसके अंदर backward information, जो past की information है, हम वो check कर रहे हैं. ठीक है हम उस पेज को रिप्लेस कर रहे हैं विच इज नॉट बीन विच हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है नाउ एंड दिस एल्गोरिथम इज फ्री फ्रॉम मिलारीज एनोमली एज वी हैव एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल बट इट इज दिस देयर आर फ्यू पॉइंट्स Like LRU, this least recently used is designed to take advantage of normal program behavior and it always considers the past information. Okay, it will replace the page which has not been used for the longest period of time. Fine, so this is the least recently used. Now, our next algorithm will come, it will be optimal replacement policy. Okay? ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या है आपका कि हमें
जो फ्यूचर में हमें जो फ्यूचर में अभी चाहिए उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, जो मुझे बहुत बाद में चाहिए फ्यूचर में उसको मैं रिप्लेस करूंगी, ठीक है। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट में हम फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देखते हैं और एलआरयू में हम क्या देख रहे थे, पास्ट इन्फॉर्मेशन। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है कि आप एलआरयू में पास्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हो या फ्यूचर, तो एलआरयू में आप पास्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हो और ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट में आप फ्यूचर इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हो, ठीक है। हाँ, शुभांशी का मैसेज है दैट ग्रुप 7 रिप्रेजेंट रीड सिस्टम कॉल टुडे। हाँ ठीक है शुभांशी, कौन रिप्रेजेंट करेगा, किसको बनाऊं मैं को-होस्ट? ओके वेट, ये शुभांशी। चलिए बेटा, एक रीड सिस्टम कॉल आपका रह गया था ग्रुप नंबर 7 का, तो वो हम आज करा लेते हैं, ठीक है। बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम, अभी तुरंत या फिर थोड़ी देर में? अभी कर दो, मेरा तो हो गया कंप्लीट ये लेक्चर का, अब जावा के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके मैम, ग्रुप 5 का भी रह गया है। शशांक इज सेइंग समथिंग, हां शशांक बोलो। मैम ग्रुप 5 का भी रह गया शायद। चलो ठीक है, अभी ग्रुप 7 करा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 5 करा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही पहले क्लास ले लेंगे और फिर लास्ट 5-10 मिनट्स में हम ग्रुप 5 का प्रेजेंटेशन करा लेंगे, ठीक है। हाँ बताओ, हमारा कोड पाइथन भी बनाया है क्योंकि सी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया था, सी में सब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मेरा कोड पाइथन में है। कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ जिसने बनाया है अपना स्क्रीन शेयर कर दो। हमें er.txt फाइल बनाई थी नोटपैड पे, हम उसे ओपन कर रहे हैं रीड मोड पे, ये स्मॉल r उसी को रिप्रिंट कर रहा है, तो ये कोड रन करा। डेटा सिस्टम नीड कॉल होगा और इसमें हम लोग कुछ एडिट वगैरह कर नहीं सकते क्योंकि रीड मोड पे ओपन है। नहीं था मैम इसमें, हेलो। हाँ बेटा बोलो मैम, इस कोड में तो इतना ही था। कोड दिखाओ ना मुझे मैम, ये वाला। अच्छा, ओपन रीड मोड फाइल डॉट रीड प्रिंट फाइल, ठीक है ठीक है। तो आपके फाइल का डेटा क्या है, सिस्टम रीड कॉल। फाइल का डेटा क्या है आपका, ये जो अंदर लिखा हुआ है सिस्टम रीड कॉल फाइल में लिखा हुआ है, ये फाइल का डेटा है ना आपका, ठीक है ठीक है। फर्स्ट यू हैव ओपन दैट फाइल द रीड मोड एंड देन यू आर रीडिंग दैट फाइल यूजिंग द रीड सिस्टम कॉल, ठीक है ठीक है, मुझे भेज देना, ठीक है शुभांशी। ओके मैम, बाकी ग्रुप नंबर 5 का जो रह गया है वो हम नेक्स्ट। हेलो हेलो हेलो
मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ वही तो दिख रहा। एक्चुअली मैं ये कहने वाला था कि मैंने कोड व्हाट्सएप किया है, वो सीन नहीं कर रही। अच्छा यार दिलाया, अभी हम भी पूछेंगे मैम भेजना कहाँ है। आई थिंक मेल करना था शायद। क्लास तो आधे से ज्यादा खाली है, वही 34 स्टूडेंट्स बचे हैं बस। करना था जिसमें आधे हम 10 सुन बच्चे नहीं तो रहे। इसलिए रुके हुए थे कि आज जब हम भी लीव कर दें क्या? पता नहीं मैम, वैसे मैम वाली थी मतलब बंद करने वाली थी क्लास शायद। अरे मैथ के असाइनमेंट का लास्ट दिन है ना आज। स्क्रीन शेयर करो तुम। शुवांशी हम भी लीव कर दें क्या? मैम तो आ नहीं रही है, अब तो लीव ही करना पड़ेगा। अरे पहले ये तो बता दो ये ग्रुप ग्रुप क्या हो रहा है। मैम को अंदर मत आने दो, मीटिंग अनलॉक रहने दो। लैब में मैम ने टास्क सबको 10-10 बच्चे ग्रुप करके बना दिए गए थे कि अपना अपना एक एक कुछ उन्होंने दे दिया था टास्क की ये रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे ग्रुप का बाकी रह गया था, हमने भी निपटा दिया। ये रोल नंबर 25 किस में रहेगा? हमारे ग्रुप का भी रह गया अभी। हेलो खत्म कर देती हूं मीटिंग। होस्ट होस्ट बनाओ मुझे, मुझे होस्ट बनाओ अभी। ठीक है। अरे मैथ का असाइनमेंट हो गया क्या? नहीं यार अभी कहाँ। अरे तो आज तो लास्ट दिन है। अरे हो जाएगा यार, तुम बहुत टेंशन लेते हो, हमको भी टेंशन देते हो। तो छापने में भी तो टाइम लगता है। मैथ का असाइनमेंट इतना लंबा नहीं है, 3 क्वेश्चन करके ये तो समझ में आ गया कम से कम, मतलब ठीक है हो जाएगा। मैं टेंशन हो रही है, एक भी नहीं हुआ अभी तक मेरा। 12 बजे तक, 10 बज रहे हैं, नहीं हाँ हो जाना चाहिए वैसे 12 बजे तक, सुबह के 12 बजे तक। 12:01 तक हो रही है। हाँ अभी 12:01 बजे तक हो जाएगा। हाँ ठीक है फिर ठीक है फिर। वैसे बंद तो हो, बताओ क्या करना है। अच्छा बन गया, नहीं करना कुछ। हाँ। नहीं बस 31 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर वाली फील लेनी है। आई थिंक बंद कर दे मैम, वापस नहीं आ रही अब। हाँ ठीक है। कब तक दो लाइन में कोड हो गया ना? नहीं नहीं दो लाइन में रिप्रेजेंट हो गया, कितना इजी तो था तुम्हारा। सही बात है। अरे मेरा भी 3 लाइन का ही है यार। कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? अरे मेरा है क्लोज सिस्टम कॉल का। हाँ तो हो तो गया, उसमें भी कुछ नहीं करना है, फाइल डॉट क्लोज लगा तो हो गया। बस हो गया, वो भी दिखाना था, मैं देख ही नहीं रही। अच्छा मुझे दिखा दो क्या कोड। पोस्ट बना दे, मैं पोस्ट काम निपटाने हैं। किसके पूरे असाइनमेंट हो गए? एरर आएगा भाई इसमें।
हो गया ना, बस सिंपल यही करना है, ओपन करना है, क्लोज कर देना। ओपन तो करना फिर क्लोज, मतलब रीड भी तो करा ले यार एक बार, रीड का ऑपरेशन भी चला ले। अगर रीड कराओगे तो रीड तो सिंपल है, लेकिन रीड कराने की जरूरत क्या है हमें? हाँ वो वाली बात भी तो है, पर करा लो क्या फायदा, उसमें कुछ दिखाएगा भी नहीं। अगर अपन ने को ओपन करी फाइल दिखाएगा भी नहीं, और क्लोज से दिखा भी देगा, इसमें से अगर प्रिंट लगा दे फंक्शन फाइल डॉट रीड वाले में, फाइल डॉट रीड वाले फाइल स्कल्प्टर आ गई फोर्थ लाइन में। इतने वो स्लैब के असाइनमेंट हो गए सारे तेरे? हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही गया। मेरे 7-8 रह गए यार अभी भी। कौन सा? यही 5 दिसंबर 9 दिसंबर वाले। अच्छा वो जो मैंने भी नहीं किया है वो करूंगा आज। दिसंबर है सारे हो गए। मीटिंग एंड कर दे।